नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड में इंडिया गठबंधन ने भाजपा को टक्कर देने के लिए बड़ा दांव चला है। यहां पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना को गांडेय विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा गया है। बताया गया कि कल्पना सोरेन गांडेय से झामुमो की प्रत्याशी होंगी। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने एबीपी न्यूज को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी ही गांडेय विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी की प्रत्याशी होंगी। जिस तरह से उन्हें क्षेत्रीय लोगों का प्यार मिला है, उनका चुनाव में उतरना वाजिब भी है। हालांकि उन्होंने कहा कि बैठक में इस तरह की किसी भी बातों पर मोहर नहीं लगाई गई है, मगर ये खुद उनको या सभी को पता है कि कल्पना सोरेन गांडेय से झामुमो की प्रत्याशी होंगी। वही भाजपा ने कल्पना सोरेन के गांडेय उपचुनाव लड़ने की खबर पर चुटकी लेते हुए कहा है कि अगर कल्पना सोरेन अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही हार के साथ करना चाहती है तो उनका स्वागत है, क्योंकि राज्य की जनता इस प्रकार की नीतियों से परेशान हो चुकी है। जिस प्रकार महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है, उसका बदला जनता जरूर लेगी। बिल्कुल, ये तो लगभग स्पष्ट है, पार्टी की तरफ से घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे उनसे ज़्यादा योग्य उम्मीदवार तो हमारे पार्टी के पास और कोई है नहीं, और वो सीट खाली है। चुनाव का डेट भी डिक्लेयर हो ही चुका है, तो निश्चित रूप से वो लड़ेंगे ऐसा हम सबको लगता है। क्या कल बैठक में इस पर डिसीजन लिया गया है? डिसीजन उस तरह से नहीं है, लेकिन सब लोग जान रहे हैं और इस पर कुछ अलग से डिसीजन लेने की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है। जी, ये कंफर्म माना जाए कि गांडेय विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ऑफिशियली ये अभी तक तो जिस तरह से वो एक होता है ना कि ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन होता है, उस तरह से अभी आया नहीं है। लेकिन अनऑफिशियली बातचीत से लगता है, और सबको मतलब सारे कार्यकर्ता चाहते हैं, पार्टी के पदाधिकारी चाहते हैं, तमाम लोग चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे भी ऐसा लगता है कि वो एक योग्य उम्मीदवार है। और गांडेय में या गिरिडीह में जो भी इस दौरान जो कार्यक्रम होते रहे हैं, स्थापना दिवस समारोह में मैं गई थी गिरिडीह में, वहाँ मंच से मैंने देखा कि किस तरह से वहाँ की जनता खुद चाह रही है कि वो वहाँ से लड़ें। तो जब जनता चाहती है, पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं, पदाधिकारी चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई अड़चन है। देखिए, गांडेय विधानसभा से अब ये खबरें आ रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जी लड़ेंगी। भाई, उनका स्वागत है। अगर वो अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत हार से करना चाहती हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और पिछले बार भी गांडेय विधानसभा में इनके तथाकथित लहर के दौरान अगर आप देखेंगे तो भाजपा और आजसू के वोटों को मिला दें तो हम 8,000 वोटों से आगे थे, जबकि हम अलग अलग लड़े थे। इस बार हम साथ लड़ रहे हैं, और इस बार तो कोई लहर भी नहीं जो तथाकथित लहर इनकी पिछले बार थी कहते थे। इस बार तो मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण की योजनाओं की आंधी चल रही है। और दूसरा, इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारों को ठगने का काम और तमाम तरह का भ्रष्टाचार हुआ, तो उसका सब जवाब जनता बैलेट से और ईवीएम से देने को तैयार है। कल्पना सोरेन अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत एक बड़ी हार से करने जा रही है।